एक मिनट बाबा को याद करो, ट्वेल्थ को आपने सिक्स में शिफ्ट कर दिया है। आज 13 जून 2024 है, और आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 25 जनवरी 1980। मुरली का शीर्षक है बिंदु, अर्थात ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु अर्थात आत्मा से मिलन, बिंदु का बिंदु से मिलन। बहुत ही सुंदर प्यारी मुरली है। बाबा ने इसमें बताया है बिंदु का महत्व। बाबा कहते हैं कि बिंदु ही सर्व मुरलियों का नाम है, और बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा त्रिकाल दर्शन करने वाला दर्पण बने। और आगे बाबा ने कहा है कि सेकेंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराने वाले हम बने। आगे बाबा ने कहा है कि हम स्वयं के पुरुषार्थ को भी उसके दो पोज को देखें, यानी कि समर्थ पोज और व्यर्थ पोज को देखें। और आगे बाबा ने कहा है कि संगम युग पर जो मरा वह स्वर्ग गया, इसके बारे में बाबा समझाने दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है, सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना, बिंदु बनना, बिंदु को याद करना, और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना। तो बाबा बिंदु के तीन अर्थ यहाँ पे समझा रहे हैं। पहला है बिंदु बनना स्वयं, बिंदु को याद करना अर्थात बाबा को याद करना, और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना, बीती को बीती करना। आगे बाबा कहते हैं यह सहज अनुभव होता है ना, यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। सार को, सार तो सहज है ना या मुश्किल है? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं, सहज है या डबल फॉरेनर्स को डबल इजी है? अब तो बाप दादा सार स्वरूप देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो, पापा पूछ रहे हैं, जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या है और भविष्य में क्या मिलना है, यह तीनों काल स्पष्ट दिखाई दे। स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। बाबा कहते हैं जब आपके द्वारा उन्हें यह तीनों रूप भविष्य वर्तमान और भूत जो भी दिखाई देगा, तो उससे भी आकर्षित होते हुए बाबा से वर्षा लेने पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे
जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो। तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं, मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही आकर्षित होते आएंगे। दो प्रकार की आत्माएं हैं बाबा, यहाँ पे दो प्रकार की आत्माएं बता रहे हैं। पहली है भक्त आत्माएं, प्रेम में लीन होना चाहती हैं, और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहते हैं, ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। नोट करें, बाबा कहते हैं सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति, और साथ ही संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ, तो सहज ही प्रजा बनाने का कार्य हो जाएगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बने हो, ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय के रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे वह व्यर्थ में रहे। बाबा ये दर्पण जो है उसको टू वे बता रहे, एक तो सामने वाले के लिए और स्वयं के लिए भी इस दर्पण को यूज करना है, दिव्य दर्पण को। हमें अपने पुरुषार्थ के रिजल्ट हमारे क्या रही, समर्थ रहा या व्यर्थ रहा, उसे चेक करने के लिए कह रहे। बाबा कहते व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे। समर्थ का पोज क्या होगा, मास्टर सर्वशक्तिवान वह दिल तख्त नशीन। व्यर्थ का पोज क्या होगा, सदा युद्ध के रूप में युद्धे का पोज होगा, तख्त नशीन नहीं लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े हैं। तख्त नशीन सफलता मूरत और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनती की मूरत होंगे। छोटी सी बात में भी मेहनत ही करते रहेंगे, वह याद स्वरूप होंगे, वह फरियाद स्वरूप होंगे। यानी जो समर्थ पोज वाले होंगे ये होंगे याद स्वरूप, और जो व्यर्थ पोज वाले होंगे ये होंगे फरियाद स्वरूप। ऐसे अपना भी स्वरूप देखते रहेंगे और दूसरे को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण बनो, समझा। आज तो डबल फॉरेनर्स और गुजरात से मिलना है, दोनों की डांस करने में राशि एक ही है, वह भी नाचते हैं और यह भी खूब नाचते हैं। गुजरात वाले भी प्रेम स्वरूप है और डबल फॉरेनर्स भी प्यार के अनुभव के आधार पर भागते हैं। प्रेम स्वरूप और प्यार के अनुभव, ज्ञान के साथ साथ प्यार मिलता है, तो यही हमारे इस ज्ञान की या कहो या जो हमारा ब्रह्मा कुमारी कहो, यह इसकी विशेषता है ना कि सबसे पहले प्यार मिलता है और उसके साथ साथ ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञान इजीली हम एब्सॉर्ब कर पाते हैं।
बाबा कहते हैं उस रूहानी प्यार ने ही इन्हें प्रभु का बनाया है, डबल प्यार मिलता है, एक बाप का दूसरा परिवार का, तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार विदेशियों के लिए चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वह मरना तो पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना, इसलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग गया। बाबा कह रहे कि जो अभी जो कहावत है कि जो मरा वह स्वर्ग गया, मतलब कोई भी मरता है तो क्या कहते हैं कि स्वर्ग सीधा है, तो बाबा कहते वो यादगार यहीं की है, संगम युग पर जो बाबा के प्यार में मरजीवा जन्म पाता है वो क्या होता है, स्वर्ग को पाता है। वह मरने वाले नहीं जाते हैं, लेकिन संगम पर जो मरा वह स्वर्ग गया। इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं उसके लिए अखबार में डालते हैं कि फलाना स्वर्ग गया, तो मरना पसंद है ना, अपनी मर्जी से मरे हो ना, मजबूरी से तो नहीं। यह सारी सभा मरजीवा बनने वालों की है, कहां सांस रुका हुआ तो नहीं है ना पुरानी दुनिया में। यही बंदर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉरेनर बाबा की बातों से हंस रहे थे, तो कितना वंडरफुल है, बाबा कहते जो मरे हुए हैं वो हंस रहे हैं। आप लोगों की क्रिश्चियन फिलॉसफी में भी है कि मुर्दों में आकर जान डालते हैं, पहले मुर्दे बने फिर जान पड़ गई, नया जन्म हो गया, इस मरने में मजा है, डर नहीं है। तो पहला पाठ इस मुंडी का यही पूरा होता है। 1 मिनट के बाद हम शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत प्यारी सुंदर बाबा की मुरली। तो हम सभी हैंड रेज करें और अपने अपने मनन चिंतन पॉइंट शेयर करें। आज बाबा कह रहे हैं ना बिंदु स्वरूप, तो बिंदु स्वरूप की क्या, बाबा कहते हैं ना कि हमारा जो बाबा 3 बिंदुओं का तिलक भी अमृत वेले देते हैं, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप, परमात्मा भी बिंदु में सिंधु, और ड्रामा का हर एक पार्ट कल्याणकारी बिंदु लगाना है। तो बिंदु इनफाइनाइट कहते हैं ना कि बिंदु में सिंधु अति सूक्ष्म अति शक्तिशाली है, क्योंकि परमात्मा भी बिंदु है। बिंदु से ही सारा झाड़ सारा वृक्ष सारा ड्रामा, मुझ आत्मा के बिंदु से मेरा ड्रामा निकला है, मेरा पर्सनल ड्रामा और एक बाहर का ड्रामा। तो बिंदु कितना शक्तिशाली होता है ना। तो बाबा ने बहुत प्यारी मुरली, और बाबा ने कहा कि आप कैसे लवलीन आत्मा कैसे बनेंगे, तो इस पे भी शेयर कर सकते हैं। साधना बहन आप शेयर करें। शांति।
आज के मुरली में बहुत अच्छी बात है, मुझे लगी कि जैसे बाबा ने कहा कि मरने के लिए तैयार हो, मरना तो पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना। जब परमात्मा का प्यार मिला तो उस प्यार के पीछे कुर्बान होने के लिए सारे बच्चे पावन बन क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होने के लिए आए हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल अट्रैक्शन है ना परमात्मा का कि वो चुंबक का काम करता है। और इतना इतना प्यार मिलता है परमात्मा से ज्ञान के साथ साथ कि सब लोग मतलब कि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मरना मतलब स्वर्ग में जाना। बाबा ने कहा कि यहाँ पर संगम पर जो बाप के प्यार में अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, उन्हीं को सत्युग में स्वर्ग में आने की सीट मिलती है। तो इसको जो मरने को कहा, इसको कहा कि स्वर्ग में आना, इसके लिए बाबा ने कहा कि मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग में गया, दुनिया में क्यों कहते हैं मरा मतलब स्वर्ग में गया। वह मरने वाले नहीं, वो उस दुनिया में जो स्थूल देह छोड़ते हैं वो लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाते, वो तो इसी पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म कलयुग में ही पुनर्जन्म ले लेते हैं। लेकिन संगम पर जो मरा मतलब देह अभिमान से मरा, मैंने अपने आप को बिंदु एकदम शक्तिशाली सूक्ष्म स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान या सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति में बाप के प्यार में जो मर जाते हैं, तो फिर हम स्वर्ग स्वर्ग की सीट हमारी फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं उसके लिए अखबार में डाल देते हैं कि ये फलाना स्वर्ग में गया। तो ये मरना कितना अच्छा है, कितना पसंद है, और हर कोई हम बाबा के बच्चे बिल्कुल देह भान से मर जाना चाहते हैं, एक सेकंड के लिए भी देह याद ना आए। हर समय में बिंदु परमात्मा बिंदु परमात्मा में समा जाके फिदा होके फेरी लगाने वाले नहीं, जल के मर जाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा ये सारी सभा किसकी है, मरजीवा बनने वालों की, जो पुराने जीवन से मर चुके, पुरानी दुनिया से मर चुके और ये नया ईश्वरीय जन्म बन गया है। तो बाबा ने कहा कि यही वंडर है जो अभी अब हमारा कोई पुरानी दुनिया में सांस रुका ही नहीं हुआ, बिल्कुल बेहद के वैरागी हो गए हम, और अब इस दुनिया परमात्मा की दुनिया में ही हम जी रहे हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बहुत हाँ गीता बहन बोलिए। अच्छा दीदी बोलती। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे सर्वमৌলিকা সার এক ही শব্দ হয় বিন্দু, জিসে সারা বিস্তার সময় হয়। বিন্দু বর্ণনা বিন্দুকে ইয়াদ করনা, অর যো কুছ বিতি উসকো বিন্দু লাগানা। আর বাবা বলা যে ঈদ ইহ অতি সূক্ষ্ম অর অতি শক্তিশালী হয়, জিসমে হাম সবই সূক্ষ্ম ফরিস্তা বন, মাস্টার সর্বশক্তি বন পাঠ বাজাতে হোক। ওম শান্তি। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी देखो साधना सिस्टर ने भी शेयर किया था ना मर जीवा, कि हम मर गए इस जीवन से, अर्थात लौकिक में रहते हुए अलौकिकता का अनुभव कराएं, न्यारे प्यारे रहें, साक्षी बन के ड्रामा के एक एक सीन को देखें, है ना। तो बहुत अच्छा। अभी रविदीप बहन आप शेयर करें। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि अपने को बिंदु समझकर कि मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, खुद बिंदु बन बिंदु को ही याद करना है, माना परमात्मा बिंदु को याद करना है, और जो कुछ बीत चुका उसको फुल स्टॉप लगाना है। फिर बाबा कहते हैं कि मुझे एक दिव्य दर्पण बनना है जो दूसरों को उनके तीनों कालों का दर्शन करा दे, माना उन्हें अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर स्पष्ट नजर आए कि वो क्या थे, अब क्या है और भविष्य में क्या बनना है। फिर बाबा ने कहा कि इस दिव्य दर्पण को मुझे खुद के लिए भी यूज करना है कि मैं कितना समर्थ बनी हूँ, याद स्वरूप बनी हूँ और फरियाद स्वरूप नहीं बनना है।
और फिर बाबा ने बताया, और मैं मुझे खुद आत्मा को भी मुझे ये अनुभव करना है कि ये मेरा ब्राह्मण जन्म जो है ये मेरा नया जन्म है। मैं इस देह में अवतरित हुई हूँ, बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। अभी प्रेजेंटली जहाँ मैं हूँ तो मुझे बाबा ने यहाँ इस स्थान पे भेजा है, मैं अवतरित हुई हूँ इन सबके सेवार्थ के लिए, इन सबकी सेवा के लिए। तो मुझे मेरा ये मरजीवा मतलब पुराने जिंदगी से, पुराने संस्कारों से मैं मर चुकी हूँ और नए संस्कार लेकर इस देह में अवतरित हुई हूँ सेवा अर्थ के लिए सिर्फ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो अभी जिसे बाबा कह रहे हैं ना कि आप दिव्य दर्पण बनो, कि सामने जो भी आत्मा आए वो मनुष्य आत्मा है, अपने तीनों काल उनको दिखाई दें। जैसे दर्पण होता है ना, तो मिरर में जो देखते हैं तो उनको अपना रूप दिखाई देता है सब तरफ से कि हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो कैसे हम अपने आप को ऐसा दिव्य दर्पण बनाएं, इस पे भी हम शेयर कर सकते हैं। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं सारे मुरली का सार है बिंदु। तो बिंदु शब्द में मुरली का सार समय हुआ है। बिंदु स्वयं बनना, बिंदु को याद करना, बाबा को याद करना और बिंदु लगाना, माना जो बात हो गया उसमें बिंदु लगाना। तो बिंदु शब्द का अर्थ बहुत महान है। सारे बाबा का ज्ञान, सारा ड्रामा जो सिंधु के तरह सामने आता है वो एक बिंदु में ही लीन होता है। माना एक बाबा का याद में सारे समस्या खत्म होता है। जो प्यार का सिंधु बाबा है वो सब कुछ समाते रहते हैं। जब हम संपूर्ण सरेंडर होकर बाबा को याद करते हैं और साक्षी दृष्टा बनकर अंदर का सारा ड्रामा का हर अंदर में जो ड्रामा चल रहे हैं उस हर सीन को देखते हैं, माने एक्सेप्ट करते हैं। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बच्चों को दिव्य दर्पण माना दिव्य बुद्धि के बारे अटेंशन खिंचवाते बाबा। आज जिस दर्पण में खुद क्या थी और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या मिलना है यह स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे दर्पण को स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी यूज करना है जिसमें व्यर्थ और समर्थ दोनों का पहुंच अपने आप चेक कर पाते हैं। तो जितना हम दिव्य बुद्धि को सारे तरफ हटाकर बाबा के तरफ देंगे तो हमारा दृष्टि वृत्ति और कृति खुद के लिए और दूसरों के लिए भी अनुभव बनेंगे। तो खुद त्रिकालदर्शी बनकर अपना स्वरूप भी देख पाएंगे और दूसरों को भी त्रिकालदर्शी करा पाएंगे। तो बाबा ने कहा हम दिव्य बुद्धि दिव्य जो दर्पण बाबा हमको देते हैं दिव्य दर्पण माना दिव्य बुद्धि में बुद्धि को यूज करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो उषा बहन, आपका माइक अनम्यूट है, आप शेयर करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है उषा बहन। आवाज नहीं आ रही उनकी। तो और भाई बहन शेयर करें। बहुत सुंदर मुरली है। कैसे हम अपने आप को, बाबा कह रहे हैं ना कि हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो, कि समर्थ रहे या व्यर्थ में रहे। तो हम कितना अपने संकल्प, बोल, कर्म, चेहरा, चाल चलन पे कितना हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक स्टेज पे हैं ना। बाबा कहते हैं कि आप आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। आपको देख के आत्माएं आपको, आप स्टेज पे हो, आपको अलर्ट रहना, अटेंशन रखना है हर समय। तो कैसे हम अपने आप का, जैसे पुरुषार्थ, ये भी शेयर कर सकते हैं कि भाई बहन कैसे पुरुषार्थ करते हैं कि ताकि बाबा की याद दिन भर रहे। तो उसमें अपने आप को कैसे अटेंशन देते हैं,
कोई भी कार्य करते हुए भी ये भी शेयर कर सकते हैं, और कैसे हम दिव्य दर्पण बने, किसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे लवलीन अवस्था का अनुभव कराएं सबको। अमी बहन आप शेयर करें। ओम शांति। हाँ, तो जैसे ही मैं ऐसे शेयर करने वाली थी, जो अभी पॉइंट आपने रखा, ये बाबा ने कहा है ये दिव्य दर्पण, तो ये टू वे है दर्पण, कि जिसमें हम स्वयं को भी देख सकते हैं, और जितना हम अपने आप को समर्थ पोजीशन में रखे जाएंगे, यानी कि हर पुरुषार्थ करते वक्त या हर समय जो हम स्वयं की चेकिंग करते रहेंगे, अंतर्मुखता में रहेंगे, तो हम स्वयं को समर्थ पोजीशन में लाते जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे, यानी कि देह अभिमान से आत्मा अभिमानी स्थिति में हम जितना जितना ठहरते जाएंगे, उतना ही हम में से जो सर्वशक्तियां बाबा ने जो दी है वो ऑटोमेटिकली वो यूज होती जाएंगी, और वही दर्पण बनेगा अन्य आत्माओं के लिए। हमारा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप ही उनको बाबा का परिचय देगा, बाबा की महिमा उनको बताएगा, हमें प्राप्ति क्या हो रही है बाबा से, कैसे हम उस संबंध में लवलीन होकर रहे हैं, तो वो बताएगा उन्हें। जानती, हाँ जी बहुत अच्छा। तो अभी हम सभी शेयर करें अपने अपने पॉइंट्स। बाबा ने आज बिंदु स्वरूप, बिंदु का क्या महत्व है, कैसे बिंदु से इतना विस्तार, तो बाबा कहते हैं कि हर पॉइंट में बिंदु लगा दो, जो हुआ ड्रामा का भी पॉइंट वो बिंदु लगा दो। तो स्वयं को कैसे बिंदु बन, हम कैसे दिन में कर्म योग में आए, कैसे कर्म करें, कैसे संबंध संपर्क में आए, सामने वाले को भी किस तरह हम देखें, ताकि हमारा जो बात करने का प्रभाव सामने वाले को भी ऊपर परमात्मा से जोड़ दे, कैसे हम इस पे शेयर कर सकते हैं। दिलीप भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि भक्त आत्माएं जो होती है वो लीन को समझती है, लवलीन नहीं समझती है। तो बाबा ने कहा है कि अब भक्त आत्माएं दो तरह की हैं, एक तो प्रेम में लीन होना चाहती हैं, तो जो भी भक्त अपनी ये आरती करती हैं या जो भी करती है उस समय भक्त एकदम प्रेम में लीन हो जाती हैं, और कई आत्माएं समझती हैं कि मेरे को वापस जन्म नहीं लेना है, तो वो ज्योति में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो उन आत्माओं को आप 1 सेकंड में अगर बाबा का परिचय अपनी अपनी से देंगे, अपना परिचय, तो वो आत्माएं सुनेंगी और वो समझ जाएंगी कि लीन नहीं हो सकते, लवलीन, अपनी लवलीन अवस्था रहेगी, तो वो समझ जाएंगे कि लवलीन हो सक लवलीन होना है, लीन नहीं होना है, तो वो आत्मा आपके प्रजा बन जाएंगी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। बहुत अच्छा। भक्त आत्माओं को जो जिसकी चाहत है ना, उसको हमें उसका उसी को तो वो देंगे। जैसे किसी को पानी की प्यास की, अगर हम भोजन के लिए पूछें तो फिर वो भी पानी के लिए पूछेगा ना। तो इस तरह हमको ये भी ध्यान रखना है कि आत्माओं की चाहत क्या है। भोपाल भाई जी आपका अनम्यूट हुआ था, आप शेयर करें। ओम शांति। मुरली के शुरू में बाबा ने आज कहा कि बाप आज मिलने के लिए आए, सुनाने के लिए नहीं बाबा, मिलने के लिए आए। और साथ में बाबा ने कहा मुरली तो बहुत सुनी है, सर्व मुरलियों का सारे एक ही शब्द है बिंदु। वो तो ये हम बाबा के सभी बच्चे जानते हैं कि अब विस्तार से सार में जाने का समय है, परम धाम आना, बिंदु रूप में हमें वापिस जाना है, जो व्यर्थ है वेस्ट है वो यहीं छोड़ के जाना है, और हमारा जो मूल स्वरूप है अनादि स्वरूप है उसमें स्थित होना है। तो इसमें डेली का अभ्यास सही रहता है कि अपने हर एक दिनचर्या में या बोल में कर्म में जो विस्तार है उसको समेटते हुए सार रूप में आने का अभ्यास चलता रहता है। और इसे बाबा भी ने कहा, बाबा भी ने भी कहा है मुरली में कि उससे क्या होएगा, हम फरिश्ता बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट का जो स्टेज है ब्राह्मण सो फरिश्ता, देवता तो फ्यूचर का है, पर यहाँ हमें फरिश्ता रूप में बन के जाना है, तो वो फिर हम तभी अनुभव भी कर पाएंगे और दूसरों को भी अनुभव करा पाएंगे। और बाबा ने एक चीज कल मुरली में कहा था कि लास्ट का जो सेवा होगी वो मनसा सेवा होगी, और फरिश्ता रूप हमारा वो है जहाँ हमें अपने रूप अपने लिए कुछ भी नहीं है,
सब कुछ देने के लिए ही होगा औरों के लिए। तो वो स्थिति बाबा हमारी अभी साथ है, और बाबा ने कहा कि ये स्थिति जो है बहुत पावरफुल स्थिति है, तो हम सभी का लक्ष्य भी वही है कि हम उस बिंदु रूप स्थिति में और अति शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का लगातार अभ्यास करते रहें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, अभी बाबा ने एक मुरली में कहा ना कि अगर ये स्मृति रहे कि हम बाप के और बाप हमारा, ये है बीज और इसी बात में सब समाया हुआ हो, है ना। तो जब यही स्मृति रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं फरिश्ता सो देवता, जो एम है हमारा इस समय, तो फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो तो सदा अतींद्रिय सुख के झूले में झूलते रहोगे, डबल लाइट स्थिति रहेगी, सदा हल्कापन रहेगा। तो जो आत्मा आएगी सामने, है ना, उसको भी हल्कापन दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता क्या, अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का, सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्का हो, उसी की जो निशानी बाबा बताते हैं ना कि सर्व के प्यारे, कोई कोई के नहीं, सर्व के प्यारे बनो। तो बहुत अच्छा, अभी अजय भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं बाबा। पूरे ज्ञान का सार ही है बिंदु बनना। बाबा का एक गीत भी है ना, तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। तो मैं आत्मा जितना बिंदु बनूंगी और बिंदु बाबा को याद करूंगी तो ड्रामा पर भी बिंदु लगा सकूंगी। और ड्रामा तो दुनिया वाले तो विस्तार में जा ही रहे हैं, लेकिन हमारी दुनिया तो यही है कि हमको बिंदु बनना है। और जितना बिंदु बनेंगे उतनी सामर्थ्य आती जाएगी, और जितनी सामर्थ्य आती जाएगी उतने कर्म भी शक्तिशाली होंगे, वाचा भी शक्तिशाली होंगे, संकल्प भी शक्तिशाली होंगे। तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक सामर्थ्य आती जाएगी। तो हमें बिंदु बनने का अभ्यास करना है। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, जो भी दुनिया का कचड़ा बाहर चल रहा है, हमें इसके सार में नहीं जाना है, तभी हम बिंदु बन पाएंगे और बाबा जो हमें लक्ष्य दे रहे हैं उसे हम पूरा कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, बाबा कहते हैं ना बिंदु जब स्वयं बन जाओ तो ऑटोमेटिकली सिंधु से, जो बिंदु परमात्मा से ज्वाइन हो जाएंगे। अरुणा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज भगवान की बोली में कहा है ना, संगम पर जैसे दिव्य नेत्र मिला है तो दिव्य नेत्र ही बिंदु, और जैसे ड्रामा का राज जो ज्ञान भगवान ने आज कहा है, ज्ञान और प्रेम ये दोनों दोनों मिलते हैं, इसलिए मरने का भी खुशी होती है। तो ये संगम पर ही हो रहा है, और बाबा का ज्ञान जब ड्रामा का राज समझते है तो खुशी मिलती है, और जब प्रभु मिलन होता है ये अमृत वेले से रात तक खुशी रहती है, तो मरना क्या कुछ भी नहीं लगता है। तो ऐसे खुशी से हर समय हर सेकंड जो आत्मा ये ज्ञान लेता है तो खुशी में रहता है दिन भर, तो औरों को भी ये अलग लगता है। ऐसा कई अनुभव एक हुआ कि जैसे सब एक ही ने शरीर छोड़ा तो बाकी सब भी रो रहे थे, लेकिन इतना शांत से हम बैठते और सुनते हैं, हर एक आत्मा ऐसा ही रहता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो बाकी आत्माओं को ऐसा लगता है कि उनको क्या मिला है। मैं आत्मा को ऐसे पूछा, अपने को क्या मिला है, इतना शांत रह से आप सुन रहे हैं लेकिन अपने बातें भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चेहरा है जो सभी के जो बाबा का प्रत्यक्ष करने का ये वो तरफ होता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया, बहुत अच्छा अनुभव। तो जब हम स्वयं ज्ञान स्वरूप बन के आत्माओं के सामने आएंगे, शक्तिशाली बन के आत्माओं के सामने आएंगे, तभी तो आत्माओं को अनुभव होगा ना, हमारे चेहरे से उनको अनुभव होगा कि ये जरूर दिव्य आत्माएं हैं, तभी तो दिव्य दर्पण बनेंगे। तो और भाई बहन शेयर कर सकते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। और भी कोई पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, बाबा का ज्ञान तो बहुत विस्तार है ना, बिंदु से बिंदु में समा जाओ तो बिंदु का ही तो अमृत वेले भी, सभी भाई बहन जब भी अमृत वेला करें तो बाबा से सामने अव्यक्त बाप दादा, और बाबा ने मेरे मस्तक पे तीन बिंदियों का तिलक लगाया, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप, परमात्मा बिंदु में सिंधु, और ड्रामा कल्याणकारी बिंदु, इसका तिलक जरूर लेवे सभी भाई बहन। तो
साधना बहन आपका अनम्यूट है, शेयर करें। हाँ, तो जैसे अभी बाबा ने कहा कि मिलने के लिए आए हैं, सारे मुरलियों का सार एक ही शब्द है बिंदु। तो अभी हम सब भाई बहनों को ये देखना है कि क्या इस वक्त हम बिल्कुल बिंदु रूप में स्थित हैं, सब एक दूसरे को बिंदु देख रहे हैं, और वो फरिश्ता स्वरूप हल्के वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल में हमको वो होना है। तो क्या वैसी स्थिति हम अपनी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जैसा जैसा हम पढ़ते जाते हैं वैसा वैसा अनुभव में बाबा बोल रहे हैं ना, सार स्वरूप देखना चाहते हैं। तो ये अगर हम ऐसी स्थिति में स्थित होंगे, तब बाबा ने कहा है कि हम दिव्य दर्पण बन जाएंगे, और इस दिव्य दर्पण में अगर हम ऐसी स्थिति में रोज चलते फिरते बिंदु और फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, तब हमारे दिव्य दर्पण द्वारा आत्माओं को त्रिकालदर्शी उनको तब हमारी स्थिति से अपने त्रिकालदर्शी स्थिति पता चलेगी, और हमें भी पता चलेगा कि मैं क्या थी, मैं सतयुग में देवता थी, अभी संगमयुगी ब्राह्मण हूँ, भविष्य में फिर से देवता बनने वाली हूँ। जब ये तीनों काल मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि अगर मैं घूम ही रही हूँ बिंदु रूप और फरिश्ता स्थिति में, तो दिखाई देने से फिर क्या होगा, सहज ही और आत्माएं भी हमारी तरफ तब आकर्षित होंगी बाप का वर्षा लेने के लिए, क्योंकि उनको हमारे दर्पण द्वारा ही साक्षात्कार होंगे। तब फिर वो आएंगे और जानने का अनुभव करेंगे, और तब वो आकर्षित होंगे, क्योंकि उनकी उनको तब पता चलेगा कि हमारे जो अनेक जन्मों की प्यास बुझना बुझ है, वो आशाएं मुक्ति में जाने की, जीवन मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की अभी पूरी होने वाली है, और फिर तब सहज आकर्षित होने जाए आकर्षित होते आएंगे। तो हमको हर समय इस स्थिति में, जिस समय हम लोग बोल भी रहे हैं, तो इस स्थिति में स्थित होने का पूरे टाइम अनुभव में चलना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं ना कि बाबा देखो आज भी कहा है कि हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ, कितना हमको अटेंशन देना है। व्यर्थ का पोज, हम कभी ऐसे ही बैठे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ और व्यर्थ का सोच रहे हैं, उसमें कितना हमारा खुद का हमारे खाते का नुकसान होता जाएगा, है ना। तो हर समय हमें निरंतर बाबा से जुड़ा रहना है, निरंतर अपनी अवस्था ऐसी बनानी है, कोई एकदम से सामने आ जाए तो हमारा हर्षित मुख चेहरा, और हम जब अकेले हों तब तो खास ध्यान रखें कि अकेले में क्या हम कर रहे हैं, क्या हम बाबा को याद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत अलर्ट रहना है हमें। तो बहुत सुंदर। तो अभी समय भी हो रहा है तो पुल जी। मैं शेयर करती हूँ लास्ट पॉइंट, आप तब तक पोल लॉन्च करें। तो बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में भी हमें फरिश्ता स्वरूप पक्का कराया है। बाबा ने कहा, मैं फरिश्ता हूँ, ये बनना नहीं है, करना ही है, आपको ये अटेंशन स्व के ऊपर रखना ही है। तो ऐसा बाबा ने इतना पक्का कराया, और स्टेप्स भी बताए बाबा ने कि अमृत वेले उठते ही आप ये संकल्प कर दो, 5 स्टेप फॉलो कर लो अपने दिल दिमाग पर, कि जैसे विजुलाइज करते हैं, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ सब विजुलाइज करे, कि जैसे कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, और सभी को संदेश देने के लिए या श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा कि कार्य पूरा हुआ मेरा। फिर चौथा, अपने शांति की स्थिति में स्थित हो गई, मैं ऊंची स्थिति में चली गई, और फिर एक दो को भी मैंने फरिश्ता स्वरूप में देखा। तो ये 4 या 5 स्टेप हम हर घड़ी हमें याद रखना है, और जब हम साकार में निराकार स्थिति में रहते हैं, बिंदु स्थिति में स्थित रहते हैं, वो भी कर सकते हैं, या तो ऊपर चले जाएं जैसे बाबा ने कहा, और नीचे फरिश्ता उतर कर आया, ऐसे कार्य करें। तो ये हमें पक्का करना ही है, क्योंकि ये बहुत बहुत बहुत, बाबा ने 3 बार बहुत 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 कहा है, आवश्यक है। तो ये हम सोचे कि ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है हमें कि ये बहुत 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 आवश्यक है, तो ये अभ्यास हमें करना ही है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ, बाबा ने संडे की अव्यक्त वाणी का बाबा ने होमवर्क दिया था, तो स्वयं को भी फरिश्ता देखें और सभी आत्माओं को फरिश्ता देखें। ये बहुत वंडरफुल बात लगी ना, कि हम स्वयं को तो देखते हैं, अनुभव मतलब प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं देखते हैं। तो बाबा ने कहा स्वयं को भी देखो, दूसरे को भी देखो। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो अभी समय हो रहा है, अमी बहन आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। ओम शांति। तो पहले होमवर्क होने के आज का पहला होमवर्क हम ये करेंगे कि आज दिन में बार बार चाहे तो हर घंटे में कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए हम स्वयं को बिंदु स्थिति में स्थित करें और बाबा से मिलन मनाएं। दूसरा होमवर्क हम ले सकते हैं कि जो यह हमारा मरजीवा जन्म है हमें उसकी स्मृति में स्वयं को लाना है। बार बार ट्रैफिक कंट्रोल को अगर हम भूलते जा रहे हैं या विस्मृत होते जा रहे हैं तो उसको ट्रैफिक कंट्रोल में हम स्मृति में लाएंगे और चेक करेंगे कि कहीं मेरी सांस या मेरी रग किसी भी पुरानी दुनिया की व्यक्ति वस्तु बातों या संस्कारों में फंसी हुई तो नहीं है। क्या मैंने अपने किसी पुराने संस्कार को लेकर तो कोई कर्म नहीं किया है? तो यह चेक करें और चेंज करें। अभी हम योग की तरफ बढ़ते हैं। स्वयं को कंफर्टेबल पोजीशन में इस शरीर को बैठा दे। पूरा ध्यान प्रकृति के मध्य ज्योति बिंदु पर। मैं दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा मुझ आत्मा से निकल रहा प्रकाश संपूर्ण देह में फैल रहा है। एक सेकेंड में मैं बिंदुवात अशरीरी बन जाती। मैं अशरीरी आत्मा इस पुरानी दुनिया को छोड़ सेकंड में पहुंच जाती हूँ अपने घर। बिंदु बाबा की असीम समीप साइलेंस वर्ल्ड में अपनी साइलेंस स्थिति को अनुभव कर बाबा से कनेक्ट होकर बाबा से सर्वशक्तियों का सर्वगुणों का किरणों को पाकर मैं बिंदु
मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर और जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में बाबा ने मेरे लिए एक लाइट का चूल्हा तैयार रखा जिसे मैं धारण करती अपने इस आकारी फरिश्ता में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। बाबा के नैनों और मस्तक से सर्वशक्तियों की किरणें मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में समा रही। अपने हाथ इसी फरिश्ता स्वरूप स्थिति को लेकर लौट आई हूँ अपने इस कर्म क्षेत्र पर। स्थित हो गई हूँ अपने रिकटी सिंहासन पर, फरिश्ता स्वरूप और फरिश्ता स्थिति इस आकारी देह को देखे मर्ज होते हुए स्थूल शरीर में और अपने इसी स्वरूप इसी स्थिति में स्थित होकर मैं आज का पूरा दिन बिताऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज प्यारे सतगुरु बाबा के सतगुरुवार के दिन सभी को, सभी प्यारे लवलीन बच्चों को, सभी अपने को स्वयं को दिव्य दर्पण बनाने वाले बच्चों को और बाबा त्रिकालदर्शी बन भक्त आत्माओं को, हर आत्मा को जो चाहिए उसकी जिज्ञासा पूरी करने वाले सभी, आज सभी बच्चों को, सभी बिंदु स्वरूप में रहने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हम बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा बहुत बहुत याद शुक्रिया, प्यार। थैंक यू बाबा बाबा। शुक्रिया, बाबा शुक्रिया शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया दीदी, परिवार, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया शुक्रिया ब्राह्मण ओम परिवार। शांति। ओम शांति, ओम शांति।